वेलकम टू पाकशाला किचन। आज का रेसिपी है चीला। चीला तो बहुत बार आपने बहुत तरीकों से बनाया होगा, बट एक बार मेरे तरीके से बनाकर आप देखिए। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अंत तक वीडियो देखिएगा। तो एक कटोरी में साबूदाना ले लिए, उसे पानी में भिगो के 2-3 घंटा छोड़ दिए थे, उसे छान लिए। 3 आलू, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च चाहिए। एक बाउल में साबूदाना डाल दिए हैं और इसे हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। इसे आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे और हरी मिर्च। आलू को हम बारीक कद्दूकस कर लेंगे, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। तो इस सारे आलू को हम कद्दूकस कर लिए हैं, तो इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। और इसमें बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ा सा कट्टू का आटा चाहिए। तो हम कट्टू का आटा 2-4 चम्मच ले लिए हैं। तो देखिए ये अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो गया है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो गया। तो मैं इसे एक तवा पर लूँगी और तवा पर हाथों में पानी लगाकर अच्छे तरीके से इसको फैलाना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकाना है। थोड़ी सी घी ऐड कर दी हूँ और इसके उलट पलट कर हम दोनों बगल से अच्छे तरीके से सेक लेंगे। फिर दूसरा भी इसी तरीके से हम सारे चीलों को तैयार कर लेंगे, हाथों में पानी लगाकर फैला देंगे। तो देखिए हमारा चीला, ऊपर से ये चीला कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए कितना अच्छा से ये तैयार हुआ है हमारा चीला। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से चीला। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।